पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो परमात्मा कहते हैं कि वो वाणियों में जवाब देते हैं, वो वैसे नहीं बता रहे हैं। परपटन पर लोक है जा अदली सतगुर सारे, भक्ति हित से उतरे पाया हम दीदारे। अब ये वाणी सुनानी कर शुरू कर दी, गांव वाले मुंह की तरफ देखें वो इसको समझ नहीं सकते, इस अनमोल वचनों को नहीं समझ सके, तो इन वाणियों को बोल रहे हैं। अब गांव वाला ने सोचा कि बाबा जी ने कोई जंतर मंत्र का दूध पिया दिया, ये लड़का जीवित तो हो गया भगवान की दया से, पर यू मेंटल हो गया, ये पागल हो गया, इसका फटकार लाएगी। काफी झाड़ फूक करवाई, दवाई डॉक्टरों वैद्यों से दवाइयां ली, पर ऑल इन वेन, सब व्यर्थ रही। ऐसे 3 वर्ष बीत गए। गरीबदास जी जब 13 वर्ष के हुए, एक दादू पंथ का दादू परमात्मा कबीर देव जी दादू साहब को भी ऐसे मिले थे, वो गरीबदास जी से पहले मिले थे, लगभग 100-150 वर्ष पहले। तो दादू पंथ में एक गोपाल दास नाम के एक व्यक्ति थे, भक्त थे, वो बाल बच्चेदार थे, लेकिन 50 वर्ष से ऊपर की उम्र हो गई थी, 60 के आसपास। उन्होंने घर त्याग दिया था और दादू पंथ को स्वीकार करके वहां एक साधु रूप में रह रहे थे। वो पैदल चलाई करते थे, वो चलते चलते छुटानी गांव में आकर किसी भगत के यहां रात्रि में विश्राम किया, किसी व्यक्ति के यहां। तो उसने चर्चा कर दी कि महाराज जी, एक हमारी लड़की का लड़का है, उसको किसी महात्मा ने जंतर मंत्र कर दिया, ऐसे ऐसे कुंवारी गाय के ऊपर हाथ रख दिया, उसने दूध दे दिया, वो दूध बच्चे ने पी लिया, उससे उसकी मेंटेलिटी खराब हो गई, तो मर गया था, परमात्मा ने दया करी, वो जीवित तो हो गया पर पागल हो गया, एंड मेंड बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। आप कुछ जंतर मंत्र जानते हो, कर सकते हो तो उस बच्चे पर दया करो, माता पिता बहुत दुखी हैं, क्योंकि संत की विद्या को संत ही काट सकता है। अब गोपाल दास ने कहा कि बुला के लाओ उसको, मैं ठीक कर दूंगा। सुबह अगले रोज सुबह वो व्यक्ति गया उस गरीबदास जी के नाना जी के पास, शिवलाल नाम था उनका, कि शिवलाल जी, ऐसे ऐसे हमारे घर एक महात्मा आए हैं, संत बड़े पहुंचे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं इस आपके दोहते को स्वस्थ कर देंगे। चलो भाई, शिवलाल जी कहने लगे चलो भाई, 2-4 व्यक्ति और चल पड़े और उसके घर चले गए, गरीबदास जी को भी साथ ले गए बच्चे को। अब उस दादू पंथी महात्मा गोपाल दास जी ने पूछा कि बेटा, वो कौन व्यक्ति था जो तुझे मिला था?
उसने तेरे को ये तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। गरीबदास जी ने कहा, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो का सीमा है कबीर हुआ। अब परमेश्वर कबीर जी ने बता दिया था गरीबदास जी को, बेटा मैं बनारस में धान की भूमिका किया करता और वहां मैंने बहुत ज्ञान दिया, बहुत से अपनी प्यारी आत्माओं को जो मेरे संपर्क में आए उनको सुख दिया, उनके दुख दूर किए, उनके संकटों का मर्दन किया, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं रही। आप जाओ मेरी महिमा का गुणगान करो ताकि तुम वो पहचान सके मुझे। तो तब गरीबदास जी ने जब ये बात कही कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, वो जाति जुलाहा और उसका भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। अब उस महात्मा का तो सीने में लगी है अमृतवाणी और गरीबदास जी फिर लगे वाणी सुनाने, डटे नहीं डटे, आध पौन घंटा तक पालक की वाणी सुनाते रहे। और वो मटर मटर देखे वो गोपाल दास, इन पागल बताओ या गांव वाले, ये तो अनमोल वचन बोल रहे हैं। तो उसने कहा, गांव वालों ये पागल नहीं तुम हो पागल, ये तो अनमोल ज्ञान बोल रहे हैं, इनको तो कोई महान आत्मा परमात्मा ही मिले थे। तब उस 60-65 साल की वृद्ध व्यक्ति ने 13 वर्ष के बालक के सामने हाथ जोड़ लिए, उस महात्मा जो महात्मा कहावे था, और कहने लगे, हे महाराज जी आप ये अमृत वाणी लिखवा दो, इस कलयुग में बहुत भक्तों के काम आवेगी। अब गरीबदास जी नहीं बोले, चुपचाप सुनते रहे। उन फिर दोबारा कहा, गरीबदास जी उठ कर चल पड़े। अब वो वृद्ध साधु दादूपंथी पीछे पीछे चल पड़ा, हाथ जोड़कर खड़ा रहे, महाराज जी दया कर दो लिखवा दो ये वाणी। अब बच्चे थे, बच्चों जैसे लीला करने लग जाते, कभी दुर्भाग जाते कभी दुर्भाग जाते हैं, तो वो देख रहे थे कि ये दर्द है को वैसे बकवाद कर रहे हैं। तीसरे दिन जाकर के गरीबदास जी ने स्वीकृति की कि महात्मा जी भक्त यदि सारी लिख है तो लिखवाऊं कि जब तू बीच में छोड़ कर भागे। अगर नहीं महाराज, मेरा तो जीवन ही नछवार है भगवान के लिए, और आप समय दो। तो गरीबदास जी का एक बेरी का बाग था, बेरी का, उसमें जंडी के पेड़ थे, उधर ऐसा क्षेत्र था पहले जंटी बहुत होया करती। उस जंडी के पेड़ के नीचे बैठकर गरीबदास जी बोला करते थे, वो गोपाल दास बानिए के घर का, यानी बनिए के घर का वैश्य कुल में जन्म था गोपाल दास का, वो कुछ जानता था, अपनी हिंदी भी जानता था और बाकी फारसी फुर्सी वो लिखा करते वो भी जानता था। तो उसमें उसने फिर वो लिखना शुरू किया, गरीबदास जी बोल रहे हैं, गोपाल दास जी लिख रहे हैं। तो लगभग 6 महीने लगे इस लेखन कार्य को, फिर उसको एक बाद में ग्रंथ का रूप दिया गया जो आज दास के पास उपलब्ध है। उसी वाणी जो कबीर परमात्मा की महिमा गरीबदास जी ने आंखों देखी बोली और गोपाल दास जी ने लिपिबद्ध की, वो आपको सुनाई जा रही है। अब वो ज्ञान गरीबदास जी सुना रहे हैं, क्या बता रहे हैं, निर्वाण निरंजन चिन भैया दुखी दारिद्र मोक्ष कर करता। अब जो गुण वेद बताते हैं कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव है, कबीर साहब है, और वो अपने भक्तों के सभी संकटों का मर्दन करता है, उनके पापों का नाश करता है, उनको पवित्र करता है, उनको सुख देता है और पूर्ण मोक्ष करता है। गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चोले दरता। गर्भवास हो
पुण्यात्माओं, माँ के गर्भ में जो इस प्राणी को कष्ट होता है, इतनी पीड़ा होती है इसको, जैसे एक व्यक्ति पूरा जीवन 50-60-100 वर्ष का और कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर जो यातना सहन करता है, इतना कष्ट, इससे भी अधिक कष्ट इस जीव को माँ के गर्भ में 9 महीने के पीरियड में होता है। और उस समय इसको चेतनता होती है और ये तौबा करता है, बार बार कहता है गर्भवास के अंदर, हे भगवान मुझे अक्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती बनी है। क्योंकि वहां उसको पिछले पूरे जन्म याद होते हैं कि मैंने किन किन जन्मों में मनुष्य जीवन प्राप्त किया और मैंने भक्ति की नहीं, जिस कारण से आज मैं इस घोर नरक के अंदर ऊपर न पैर नीचे न सिर और 9 महीने तक लटके। अब किसी को आज तो अमांडी पा करे हैं, क्यों समय पर टूक मिल जाए, रोटी मिले, अच्छी सामने गुट्टी ला ले, क्या जरूरत भगवान की। अब किसी ने 2 घंटे बांध देना बोरी में उल्टा लटका दे, टांग ऊपर ने हर तरह ने नानी याद आ जा और पाड़ करे ना बोरी ने पाड़ बसा जाता है, गोड्डे मार मार कर रुके मार मार कर बता दो रहे बता दो, और वहां कोई सुनने वाला नहीं, माँ के गर्भ में 9 महीने तक उल्टा लटके। ये फिर आखिर में अपनी सारे प्रयत्न करके भगवान से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा एक बार बाहर निकाल दे इस गंध से, कभी नहीं भूलूंगा आपको, आपको सदा याद करूंगा और आपके पूरे संत की खोज करूंगा और सत भक्ति करूंगा परमात्मा, और बकवाद कति नहीं करूंगा, ना कोई विषय विकार करूंगा और पीछा छुटवाऊंगा दाता, पीछे मेरे से बहुत गलती भी नहीं। अब क्या बताते हैं, जो ही ये गर्भ से बाहर आता है, आते ही इसके ऊपर 3 इंजेक्शन लग जाते हैं, एक रजोगुण, एक सतोगुण और एक तमोगुण युक्त। रजगुण ब्रह्मा जी से निकल रही तरंगे, रे उसकी जो रेज वो प्रभावित करती है उस बच्चे को तुरंत आते ही, और सतगुण की रेंज जो निकल रही है रेज तरंगे विष्णु जी के शरीर से, वो भी उस पर तुरंत असर करती है, और तीसरा इंजेक्शन तमोगुण का भगवान शिव जी से निकल रही तरंगों का ऑटोमेटिक लग जाते हैं, जैसे बच्चे का पोलियो का इंजेक्शन लगाते हैं आजकल या और इंजेक्शन अवश्य लगाते हैं, तो ऐसे उस वो तो इंजेक्शन लाते दिखे और ये लाते ना दिखते, माँ के गर्भ से बाहर आना, ये तीनों ऑटोमेटिकली इसको गर्भ कर लेते हैं और ये भूल जाता है मैं कहाँ से आया, कौन हूं। इसको फिर नए सिरे से पढ़ाई पढ़ाई जाती इस काल की व्यवस्था की, ये तेरा बेटा, ये तेरा चाचा है, ये तेरी चाची, ये तेरा माँ, ये तेरी पिताजी है, बोल इतनी बुआ ने नमस्ते करे, यानी नए नए तरीके से यहाँ से उसका नाम अलग से बॉडी का रख के फिर नई पढ़ाई पढ़ाते हैं, ओरिजिनल पढ़ाई भूल जाता है इस नशे में इन तीनों इंजेक्शनों के प्रभाव से। अपुणात्माओं, ये तीनों भगवान रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी, तमगुण युक्त शिव जी, ये अपनी अपनी राजधानियों में ऊपर अपने लोकों में रहते हैं और वहां से इनकी जो गुणों की रेंज रेज पृथ्वी लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक पर और नीचे पाताल लोक पर, इन तीन लोकों में इनकी रेंज है या, और इस रेंज में जो भी जन्म लेता है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली असर कर देते हैं। जैसे मोबाइल का टावर होता है और उस टावर की रेंज में जितने भी मोबाइल होते हैं उससे कनेक्टेड, वो अपने आप कार्य करना शुरू कर देते हैं, ठीक इसी प्रकार है। अब जैसे रसोई के अंदर किचन में कोई छोंक लगाया मिर्चों का सब्जी में, और उस छोंक तो लग रहा है रसोई में, मूल वस्तु तो रसोई के अंदर है वो साकार वस्तु, और उसकी निराकार शक्ति ने
जाकर के दूसरे कमरों में बैठे हुए, दूसरे कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी छींके आनी शुरू होगी, छींकम छींक कर दिया। अब वो मूल वस्तु तो एक स्थान पर है, उससे निकली हुई वो रेज, वो तरंगे, वो पहुंच गई कहां, दूसरे कक्ष में, और वहां उनको छींकाने लगी। अपने आप उनके बस की बात नहीं, छींक रोक दे। तो इसी प्रकार ये भगवान वहां रहते हैं, तीनों अपने अपने लोक में, राजधानियों में, और वहां से इनसे निकल रही ये मिर्चा के से छौंक की रेंज या सबको प्रभावित की हुई है। रजगुण गर्मा से हम यहाँ की बकवाद सारी, संतान उत्पत्ति और बुरी दृष्टि या यहाँ क्या सुख सुविधाएं, कार, कोठी, बंगले, ये उसके विवश कर रहे हैं, बस की बात में जीव कर। और दूसरी सतोगुण की, उसे हम सतीथी में रहते हैं। सतीथी माने ये मेरा बेटा या मेरी बेटी, एक दूसरे में मोह ममता फंसी रहे, अटाई नहीं हटे, इतनी जबरदस्त है यार, एक दूसरे की ममता, बेटा में मोह, बेटे माँ बाप में ममता, पति पत्नी में ममता, बच्चों में, कोठी कार बंगलों में। एक थोड़ी सी जमीन के टुकड़े के लिए कटके मर जाते हैं। तो ये जीव के बस का नहीं, ये जो ममता हट सके। एक समय की बात है, एक पहले ये दास गांव छुड़ानी में गरीब दास जी का जो एक स्थान बना रखा है, वहां सत्संग होते हैं, वहां जाया करता था। मेरे गुरु जी भी वहां जाते थे, लेकिन गुरुदेव ने कह दिया था, बेटा यहां मत आना, अब तुझे आदेश दे दिया, भक्ति कर और लोगों को समझा, उपदेश दे। यहां केवल हम इसलिए आते थे कि कोई अच्छी आत्मा यहां आए, हमारा ज्ञान को सुने और वो फिर सतमार्ग को ग्रहण कर ले। लेकिन यहां छुड़ानी के जितने भी महंत हैं या अन्य जो भी यहां आते हैं संत, इनको किसी को भी ज्ञान नहीं है गरीबदास जी क्या बताना चाहते हैं। ये सब मनमुखी अपनी अपनी कथाएं सुनाते हैं। तो उस समय हम वहां जाते थे, तो वहां चार पांच ये जो बाबा जी बन रहे थे, लाल कपड़े पहन रहे थे, पांच छह जने बैठे, मतलब ओल्ड एज के थे, वृद्ध अवस्था सी थी उनकी, यानी 60 से ऊपर ऊपर थे सारे, और वो आपस में बातें कर रहे। एक कह रहा दूसरे को कि तू काहे का जो बैरागी है, काहे का तू बाबा जी बन गया है, तू तो घर जाता है, अपने घर वालों को या पूजा मिली हुई पैसे दे के आता है। तो एक और कहता है जो उसको कह रहा था, वो कहता तू भी तो जाता है, इसको कह रहा तू नहीं जाता, और चुप हो गया। तीसरा कहने लगा, भाई बात क्या है कि एक ये जो हमने घर भी त्याग दिया और फिर भी ममता बच्चों से हट नहीं रही, बड़ी समस्या है। उनमें से एक कहता भी एक बात कर देना घर वाले, हमारी पिटाई कर दें, फिर तो ममता हट सके है। तो उन्हीं में से एक कहने लगा, मेरे साथ वो काम भी हो लिया फिर भी ना हटती, मेरी घरवाला ने पिटाई भी कर दी और फिर भी उन बच्चों ने, और फिर भी ना जाए वहां, उनसे ममता ही नहीं हटती, फिर भी जाता हूं, और बाबा जी बन रहा। आए हाय, परमात्मा क्या कहते हैं, एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। के कहते हैं एक परिवार त्याग दिया तने, एक नारी को त्याग दिया इसलिए कि भक्ति में बाधा बनती है, मैं भक्ति करता हूं ये बाधा ना बन जावे। कहते हैं पांच नारी तेरे साथ रही, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये भी बाधक हैं, इनको त्याग बच्चा जो बैरागी बनेगा, इनको घर रहकर त्याग लेते, जंगल में जाकर त्याग। लेकिन भक्ति करें सतनाम बिना बात पड़े को नहीं, से घर रहते बार। क्या बताते हैं, तो इस प्रकार इन तीनों देवताओं के अंदर जो गुण हैं उनसे हम सभी प्रभावित हैं।
और तमोगुण का आपने पता ही है, छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाए, घर वाले भी आपस में घुरचर शुरू कर दे छोटी सी बात पर, तो ये तमोगुण का प्रभाव, क्योंकि इन तीनों से ही हमें यहाँ पर काल ने तीनों के कारण ही हमें रोक रखा है, हमारी यहाँ दुर्गति करवा रखी है। ये सीधे से शब्दों में अब गरीबदास साहेब जी क्या बताते हैं कि कबीर परमात्मा की भक्ति कर लो, उससे क्या होगा, गर्भवास मिटे निज नाम रटे, निज नाम है, आम अन्य नामों से कोई लाभ नहीं होगा। जैसे गीता जी धर्म राठ के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और कोई मंत्र नहीं, नथिंग एल्स, ओम यह एक अक्षर है, और इसकी जो साधना करता हुआ श्री त्याग कर जाता है वो इससे मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा का भी उसमें विधान बताया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिविध समर्थ है, बस और कोई मंत्र नहीं। ओम तत् सत, ओम तो ब्रह्म का, तत् और सत ये डैश ला रखे हैं, ये सोच लिया डॉट ला रखी है, ये डॉट का ज्ञान दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर किसी को नहीं है, ये सांकेतिक शब्द है। और यदि किसी नालायक ने मुझसे उपदेश लेकर किसी कारण से अपनी महिमा का भूखा या वैसे अपना कर्म बिगाड़ने के लिए स्वयं नाम लेकर के औरों को दान करने लग जाएगा तो महापापी अपराधी है, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अब अनाधिकारी व्यक्ति किसी लाइसेंस बनाकर दे दे या पासपोर्ट बना दे तो दोनों पट्टेंगे, बनवानियों का भी अपराधी और बनाने वाला भी अपराधी, और तब पकड़े जाएंगे अवश्य, जब वो जाएंगे एयरपोर्ट पर तो उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। तो नकली गुरुओं से उपदेश प्राप्त करके यदि यही निज नाम तुम जाप भी करते रहोगे तो भी लास्ट में पिटाई होगी, काल के जाल में रह जाओगे। गर्भवास मिटे निज नाम रटे, क्यों योगन योगन चोले धरता। पुणात्माओं ऐसा गुड ज्ञान है परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया हुआ, गरीबदास जी के अंतकरण में फीड किया उन्होंने, एज ए कंप्यूटर बार लिखवा दिया। गरीबदास जी का सिर्फ इतना रोल समझ लो इसमें, जैसे कंप्यूटर में कोई मैटर भर दिया और फिर उसको निकाल दिया, ये सारा ज्ञान कबीर परमेश्वर ने उनमें फीड किया, उन्होंने फिर बोल दिया उन्हीं की प्रेरणा से, और गोपाल दास जी ने ये लिपिबद्ध कर लिया और आज आपके लिए ये अमृत सिद्ध हो गया। कहते हैं गर्भवास मिटे निज नाम रटे, पुणात्माओं ये 5-7 लाइन है, 10 पंक्तियां हैं इस एक परमात्मा के महिमा के एक शब्द में, इनको समझाने में एक हफ्ते का सत्संग हो जा, ये इतना गुड रहस्य है, वेदों का ज्ञान तो इसके सामने पाश्चिंग भी को ना, यानी वेद ज्ञान गलत नहीं है लेकिन उससे भी हटकर ये ज्ञान और सिंपल लैंग्वेज में साधारण भाषा में, लेकिन ये रहस्य गुड है इसके अंदर, उनको तत्व ज्ञान के बिना नहीं समझा जा सकता। अब क्या बताते हैं कि गर्भवास मिटे निज नाम रटे, सही नाम रटने से आपका गर्भवास यानी फिर दोबारा जन्म नहीं होगा, मां के गर्भ में नहीं आएगा, ये सदा के लिए झंझट मिट जाएगा और वो सतलोक स्थान मिलेगा जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1-4 में कहा है, तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो बता देता है सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी तत्वदर्शी संत है। 4 अध्याय के 32-34 श्लोक में कहा है कि परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपने मुखारविंद से, अपने मुख कमल से अमृत वाणी बोली, उस अमृत वाणी में, उस सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में
धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी बहुत विस्तार से और सत्यता के साथ दी हुई है, वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान देंगे। गीता ज्ञानदाता से अन्य है कोई परमात्म, परम अक्षर ब्रह्म है वो। तो गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है और फिर कहा है कि उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कि तत्वदर्शी संत मिल जा और इस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से उस अज्ञान रूपी गुत्थी को काटे, यानी अच्छी तरह समझ के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं उसी की शरण में हूं, केवल उसी की भक्ति करो, किसी और की नहीं। गीता ज्ञानदाता स्वयं स्पष्ट कर रहा है। इसलिए गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, यानी सतलोक को, शाश्वतम स्थानम, उस शाश्वत स्थान को, अमर लोक को, जहां जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आते और उस नगरी उस स्थान का कभी नाश नहीं होता, उसको प्राप्त होगा। और यहां क्या कह रहे हैं, परमात्मा खुद बोल रहे हैं गरीबदास जी के माध्यम से, चल थीर करूं अवगत नगरी, तू लख 84 क्यों फिरता। चल थीर करूं, कहते चल तुझे स्थाई रूप से वहां तेरा स्थान दे दूंगा, कभी दोबारा जन्म नहीं होगा। चल थीर करूं अवगत नगरी, अविगत नगरी जिसकी गति को कोई नहीं जानता, उस स्थान को कोई परिचित ही नहीं है, जिसको मैं देख रहा हूं, गरीबदास जी करे। चल थीर करूं अवगत नगरी, तू लख 84 क्यों फिरता, और सत्संगति ले निज साधु की नहीं, नाम बिना कारज सरता। क्या बताते हैं कि चल तुझे उस सनातन परम धाम में स्थाई रूप से स्थापित कर दूंगा, फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आएगा, तू 84 लाख योनियों में क्यों कष्ट उठा रहा है। फिर कहा है कि सत्संगति ले निज साधु की, यानी आम संतों से भी बात नहीं बनेगी, निज साधु तत्वदर्शी संत की संगत कर, उनसे उपदेश प्राप्त कर, नहीं नाम बिना कार्य सरता। कहते नाम बिना, यानी सही नाम मिले, सच्चा नाम मिले, सत्य नाम मिले, जिसमें दो अक्षर होते हैं, एक ओम और एक तत्, ये सांकेतिक है, और सार नाम ये सत जो है, ये सार नाम की तरफ संकेत है, ओम तत् सत्य। तो कहते हैं नहीं नाम बिना कार्य सरता, कहते नाम लेना पड़ेगा और नाम की भक्ति करनी पड़ेगी, उस कमाई से ही तेरा छुटकारा होगा। विधि मैं बताऊंगा, मर्यादा में रहना होगा, कोई तेरे ऊपर आपत्ति आओगी तो खड़ा पाऊंगा, कबीर साहब कहते मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन नीत साबित रखना और आन उपासना ना करना, किसी देव को इष्ट रूप में नहीं मानना। दयावंत विवेक भय ज्ञानी, टुक छेड़ करे तो सब लड़ता। अब कहते हैं जिनको तुम आत्मा मानता है ना, और इसे विवेक की जीखर बड़े ज्ञानी संस्कृत संस्कृत बोलते रहे हैं, या कोई तपस्या करता है, कोई नगन फिरता है, कोई राख रमा रहा है, कहते हैं एक बार छेड़ कर देख दे, इनको जरा सा टोक दे और मान ले वो कोई ज्ञान तुम्हें बता रहे हो, और उसमें आप एक बार विरोध कर दो उनके ज्ञान का, तेरा सिर में चिमटा मारेंगे और दिखे इसे बढ़िया बड़े महापुरुष है, मीठे बोले,
अब कहते हैं दयावंत विवेक वही ज्ञानी टोक छेड़ करे ते सब लड़ता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए इनसे जम किंकर ना डरता। कितनी प्यारी बात कही है। कहते हैं किसी ने तो बड़े बड़े केस रखा रखे हैं, किसी ने तो बड़े बड़े जटा रखा रखी है और दाढ़ी बढ़ा रखी है, माड़ा डाल रखी है, लाल पीले कपड़े पहन रखे हैं और चमटा चमटा लेकर जोड़ी डंडा लेकर अरिशा बनकर बैठा जैसे महात्मा पड़े हैं। और किसी ने मूंड मुंडा लिया और गोटम गोट में रहा, दाढ़ी मूछ मुंडा कर लाल कपड़े पहन कर सर का कचकोल कढ़ा कर और माथे में तिलक तुलक ला कर उसे तो महात्मा पड़े हैं। क्या बताते हैं कि इन बाह्य आडंबरों से संत भक्त नहीं बनते। जिसके पास सत भक्ति की कमाई है उन्हीं से यम के दूत डरेंगे उस भक्ति की कमाई से, और जिसके पास परम संत की का उपदेश होगा उस मालिक से भय मानते हो यम के दूत। इस बाह्य आडंबर करने वालों की से यम किंकर नहीं डरते हैं, उनको पकड़ कर ले जाएंगे और नरक में ठोक देंगे। ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, चुंडित बड़े बड़े चुंग जिन्हें जूथर बढ़ा रखे, बड़े बड़े जटा बढ़ा रखे चुंडे वाले, और मुंडित जिन्होंने कति सिर के बाल भी कोरा कचकोल कढ़ा रखा, दाढ़ी मूछ मुंडा गए कति पॉलिसी करवा लें। कहते इनसे जम किंकर ना डरता, इन बकवादियां तो ना डरता। एक बार कहते ना दयावंत विवेक बहे ज्ञानी टुक छेड़ करे ते सब लड़ता, तुम इन भगत और संत मान रहे हो। एक समय कुंभ का मेला भरा था हरिद्वार में, हर की पैड़ी पे उसकी पर भी लगी थी, तो वहां पर ये सभी तीनों गुणों के उपासक, रजगुण जैसे तीनों गुणों के उपासक, ये गिरी पुरी नाथ नागा सन्यासी वैष्णव, ये तीनों गुणों के उपासक यानी जिनको हम महात्मा मान्या करते थे, ये वहां से ले जाते हैं जहां कुंभ का पर्व होता है, और वहां जहां पर इन्होंने सुनियोजित कर रखा है कि यहां पर भी लगेगी, यानी उस समय कि कोई तालाब या दरिया निहित करते हैं और वो समय निहित कर देते हैं, सीमित समय होता है, उस दौरान सबने स्नान करना होता है वहां पर। तो ये सभी गिरी पुरी नाथ नागा कनपाड़े ये सारे अलग अलग अपने, जैसे गिरी अलग पुरी अलग सन्यासी नारे, बैरागी अलग और कनपाड़े नारे, और ये नंगे जो नागा बोले हैं वो अलग, और वैष्णव जो विष्णु जी के उपासक वो नारे, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, इनके समुदाय बन जाते हैं जहां ये अलग अलग इनके टेंट लग जाते हैं। फिर स्नान करने के समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने एक मुखिया के पीछे पीछे, गिरी अलग पुरी अलग नागा के पूरा समूह अलग से, वैष्णव का समूह अलग से। तो उस नहाने के समय कुंभ के मेले का नहाने का जो समय है स्नान का, सबसे पहले नागा पहुंच गए अर्की पैड़ियों पर खड़े हो गए नहाने के लिए, पीछे से पहुंच गए ये विष्णु जी के उपासक जिन्होंने आछे तलक तलक ला रखे, किसी ने तो मूंड मुंडा रखा, कोई दाढ़ी बढ़ा रहा। अब वैष्णु उपासक कहने लगे कि भाई नागा तुम पीछे स्नान करना, पहले हम नहाएंगे क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं। तो नागा कहने लगे नहीं हम श्रेष्ठ हैं, हम नी इच्छा हैं, हम नी वस्त्र रहते हैं, हमें कोई संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं, और हम प्रथम स्नान करेंगे, हम श्रेष्ठ हैं। अब वैष्णु कहने लगे तुम कहे के श्रेष्ठ हो, शरण फिरो, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, पशु की तरह नंगे फिरते हो, राख मारा की आज तुम नहाने वाले बन गए, छह छह महीने ना नहाओ आज तुम नहाने वाले बन गए, बाहर आओ। अब इतने में वो नाना नूना तो भूल गए, स्नान तो गए भूल, और लठम लट्ठा नागा हो गए उल्टे सारे, अब हमारी इंसल्ट कर दी, और
सिर को उसका जूड़ पकड़ रहा है, उसका बुढ़ कवर है, तलवार निकाल ली, तीर मारे, गर्दन काट दी, सीधी छुरी घोप दे एक दूसरे का, जिन महात्मा क्या करते। अब परमात्मा की उस सचिदानंद घनब्रह्म की वाणी जो गरीबदास जी को प्राप्त हुई कबीर परमेश्वर से, क्या बताया, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेतु न जाण्या वाजा करद चलावे हैं, काटे शीश नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब क्या बताया है कि तीर तुपक तलवार कटारी ये डट के युद्ध मचावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाने, भगवान की पैड़ी कहो और भगवान की छाती पर कतलेआम करने लग रहे, तुम कहते हैं काटे शीश नहीं दल करुणा, जिनके दिल में दया नहीं, और वह जग में साधकों आवे हैं उनको तुम आत्मा भी कहते हो, इसे नालाक्या के दर्शन करने भी जा कहते हैं, उन नरक ले जावे हैं, क्योंकि उनके चेले वही रंग भर दे उनके साथ, वह भी फिर इसी क्रिया करेंगे। वो चेले गुरु तो थे सारे, कौन सा एक लड़ा था वहां पर, अब जो गए थे उनसे मोक्ष कराण करवा दिया उड़ा कल्याण उनका। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं, दयावंत विवेक भय ज्ञानी टोक छेड़ करे ते सब लड़ता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए इनसे जम किंकर ना डरता, तू कौन कहां से आन फंदा देखो आगे बराड़ी क्यों जड़ता। अब एक वाक्य है परमेश्वर की अमर वाणी का कि तू कौन कहां से आन फंजा, तू कितना आकर फंस गया और आग बराड़ी क्यों जड़ता। अब इस वाक्य को पूरा करने के लिए कम से कम 5 घंटे लगे, पूरी सृष्टि रचना, फिर उसमें प्रमाण दिखाए जाते हैं, तू कहां से आकर फंस गया, तू कौन है, आज तू बिना बैठा है यहां पर, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, एक मिनट में मृत्यु हो जा, अब कहां है तेरा डेरा। इसके लिए परमात्मा क्या कहते हैं, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं एक पल की, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की, कोडी कोडी माया जोड़ी बात करे छल की, कोडी कोडी माया जोड़ी बात करे छल की, पाप पुण्य की बांधी पोटेरिया या कैसे हो हल की खबर नहीं पल की, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की, मात पिता परिवार भाई बंधु ये तरिया मतलब की, मात पिता परिवार भाई बंधु ये तरिया मतलब की, चलती वरिया कोए न साची या मट्टी जंगल की खबर नहीं पल की, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की, तारों बीच चंद्रमा जो झलक है आज तेरी महिमा जला झलकी, तारों बीच चंद्रमा जो झलक है आज तेरी महिमा जला झलकी, बने कुकरा बेस्टा खावे आज बात करे बल की खबर नहीं पल की, नाम सुमर ले शुक्रम कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की, ये संसार रेन का सपना जैसे ओस बूंद जल की,
ये संसार रहन का सपना जैसे ओस बूंद जल की, सतनाम बिन सब साधना जैसे गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरी आंसू ने ढल की, अंत समय जब चले अकेला आंसू ने ढल की, कहे कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। पुनात्माओं, ये कलेजे में लागनी चाहिए बातें भगवान की, कहती है बातें कर्ण सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। अब क्या बताया है कि चलती बरिया जैसे तारा बीच चंद्रमा जो झलके, तारों बीच तू चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा जला झलकी। जैसे कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है, तो सितारों में आम जनता में वो उसकी ऐसी महिमा है जैसे चंद्रमा की शोभा होती है। और जैसे आपको कई बार बताया है कि हरियाणा के दो कैबिनेट मिनिस्टर एक ही हेलीकॉप्टर में, चुनाव नियुक्त चुनाव अभी जीता ही था, मंत्री पद की शपथ ली ही थी, एयर क्रैश यानी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, दोनों मर गए, पता नहीं क्या क्या उम्मीदें थी उनकी। एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहे थे और पता नहीं कहां कहां की आशाएं थी, ये कर दूंगा दाते, ये करूंगा वो करूंगा फलाना करूंगा, एक्सीडेंट हो गया, तीन दिन में लाश मिली थी उसकी, कोई फर्स्ट एड कर या ना पाया। ऐसे एक अरुणाचल के मुख्यमंत्री, सात दिन में लाश मिली थी, ऐसे हेलीकॉप्टर से मर गया। अभी की बात है, साल भर के भीतर भीतर की अंदर अंदर। और उसी समय कुछ समय पहले एक पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट यानी पूरे 95 मंत्री थे उसमें, सारे के सारे एक का जहाज में थे, एक का मर गए सारे, उनकी कितनी महिमा थी, क्या आशाएं थी। अब परमात्मा कितनी सच्ची बात कह रहे हैं, पर हमारा नशा गणा हो रहा है या भांग पी रखी हमने काल की बकवादों की। क्या कहते हैं, तारों बीच चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा जला झलकी, तारों बीच चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा जला झलकी, बने कुकरा बेस्टा खावे, आज बात करो बोलकी। कुत्ता बन के नोगा टट्टी खानता अंडे का, तू बकवाद करा, भूल गया भगवान को। मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान। अब परमात्मा ने क्या आवश्यकता थी, खड़े होकर चौराहे पर रोया करते थे, हमारे लिए चिल्लाया करते थे कि कुछ अच्छे काम कर लो, ये जीवन ठीक नहीं, तुम्हारा यहाँ स्थान ठीक नहीं है। और हम नहीं पहचान सके अपने भगवान को, इसलिए यहाँ धक्के खा रहे हैं, असंख्य युग हो गए, आपकी मृत्यु निश्चित होगी, सबको पता है, मृत्यु के बाद के दुर्गति होगी ये ना पता है, दास बता देगा, भगवान का इतिहास है, उसकी विधान है। बिरन माटी और लक्ष 84 योनियों में कुत्ते गधे सूअर की योनियां भोगनी पड़ेंगी। तो हमने एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हम यहां से दोबारा जन्म ना हो, भगवान नाम जाप करो, अपना क्रिया भी करो, काम भी करो, जो ठीक नेक नीति से क्रियाएं करो, और आस्था दृढ़ लगा लो हम सतलोक जाएंगे। वहां जाकर भी आपकी ऐसी ही सृष्टि होगी, वहां एक बार आपका जन्म होगा, वहां गर्भवास से नहीं परमात्मा के वचन से होगा, आपको शरीर मिलेगा सुंदर, उसमें फिर कभी व्यर्थ नहीं होगे, वहां सदा सुख रहेगा और कोई काम नहीं, सारा दिन अपना मालिक की भक्ति, अपने आप अंदर से इतनी उमंग उठती है, लहर उठती है खुशी की। तो क्या बताते हैं,
मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, दो दिन का तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, दो दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मंडान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान। कहां से आया कहां जाएगा तू, कौन कहां से आन फंजा, देख आग बिरानी क्यों जलता। कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समाएगा। कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान। अब कहते हैं सतगुरु के बिना तुझे कौन बताओगा ये आत्मज्ञान, तो कितना आया कहां जाएगा, मृत्यु के बाद तेरी के दुर्गति होगी। तो संत सतगुरु बिना कौन कहेगा तुझको ये आत्मज्ञान है। इस पृथ्वी पर आप किसी परिवार में हो, रिश्तेदारियों में जाते हो, तो माया जोड़ने की गुट्टी तो सारे पै देंगे, लेकिन ये बात तो सतगुरु ही बताया करते हैं। कौन तुम्हारा सच्चा साई, तुम्हारा सच्चा भगवान, सच्चा साई, सत साहेब, वो असली भगवान, तुम्हारा सच्चा साथी कौन है। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। ये तुम नाते जोड़े बैठे हो, ये अस्थाई है, ये तो काम चलाऊ है, इतना जीवित है, सब कुछ है ना कुछ भी कोई, हमने मरने के बाद भी बहुत कुछ आवश्यकता पड़ेगी। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करोगे विश्राम, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान। हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जात बरे और रीता। जैसे परमात्मा कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई, यो गल बंधा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। ये हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जात बरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले। लख चौरासी की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। लख चौरासी की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊ रासा, तू कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान। पुणात्मा परमात्मा कहता, मैं रोत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर मारे वियोग को। अब समझ नहीं सकता कोई, परमात्मा कहते हैं तो कभी आज पंडित का जन्म है, कल करा शूद्र का जन्म हो जाएगा अगले, आज तो मुसलमान के घर जन्म है, अगला जन्म हिंदू का हो जाएगा। और यहाँ तुम एक दूसरे ऊंचे नीचे की एक आग और जल रही है, और लख चौरासी की कितने कष्ट आप उठा रहे हो। इसमें निष्कर्ष दे दिया कि तू मुझे पहचान ले, मैं परमात्मा हूँ, वो सुखदायी भगवान हूँ, पाप नाशक हूँ, और अमर करूँ सतलोक पठाऊ, ताते बंदी छोड़ कहूं। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार,
ये कबीर देव जी हैं, कबीर परमेश्वर जी हैं, ये पूर्ण ब्रह्म हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, जो बनारस के अंदर काशी शहर के अंदर एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे और साथ में वे सुप्रसिद्ध कवि भी कहलाते थे। ये पूर्ण परमात्मा थे, पूर्ण परमात्मा हैं और आगे भी रहेंगे। हम परमात्मा को ना पहचान कर अन्य भगवानों को, अन्य अल्प शक्ति युक्त देवों को हम पूर्ण परमात्मा मानकर पूजते रहे, जिस कारण से हम जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग में फंसे रहे। वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर साहिब जी, हम सभी आत्माओं के पिता हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें वही हमारी माता हैं, क्योंकि जिससे हम जन्म लेते हैं वो माता कहलाती है और जो हमारी परवरिश करते हैं वो पिता कहलाती है। वे सभी गुण परमेश्वर के अंदर उपलब्ध हैं। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रुण, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो देव देव है, सब देवताओं के देवता, सब भगवानों के भगवान, सर्वेश्वर महेश्वर। ये जो वेदों में महेश्वर सर्वेश्वर वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, ये जो उपमात्मक नाम हैं, ये पूर्ण परमात्मा के हैं। तो वेदों के आधार से ही इस काल ने अपने पुत्रों के नाम रख लिए। पूर्ण परमात्मा का नाम विष्णु है वेदों में, जो सबका धारण पोषण करता है उसको विष्णु बोलते हैं, और जो सब की उत्पत्ति करता है उसको प्रजापिता बोलते हैं। बृहस्पति यानी सबसे बड़ा प्रभु स्वामी। वेदों के अंदर जो ये नाम है ये कबीर परमेश्वर की उपमा है, लेकिन हमने अपने संतानों का भी और काल ने अपने संतानों के नाम भी इन्हीं वेदों और सदग्रंथों के नामों के आधार से रख लिए हैं। पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर देव जी आकर हमें ज्ञान कराते हैं कि तुम यहां काल के जाल में फंसे हुए हो और आन उपासना शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हो, जिस कारण से आप इस काल के जाल में फंसे हुए हो। आपने सत्संग सुना सुबह, उसमें आपको पता चला कि वही ज्ञान वेद बता रहे हैं, और वही ज्ञान आंखों देखा संत बता रहे हैं जिन्होंने परमात्मा को पाया। आज सुबह के सत्संग में आप जी को आदरणीय गरीबदास साहिब जी की जानकारी दी थी कि उन्होंने परमात्मा को पाया और फिर अपनी अमृतवाणी में उस परमेश्वर की जानकारी कही बोली।
परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर के हमें जानकारी दी कि तुम यहाँ जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त हो और जब तक आप यहाँ से पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। कबीर परमेश्वर जी ने आके स्वयं ही अपनी जानकारी हमें दी और बताया कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो। आप जी को तत्व ज्ञान ना होने से इस काल की व्यवस्था को ही हमने अंतिम मान लिया। यहां की व्यवस्था है जन्म और मृत्यु। जन्म और मृत्यु, संतानों उत्पत्ति, इनकी परवरिश कर देना, फिर बच्चों की विवाह शादी कर देना, फिर परमात्मा इनको संतान दे ये कामना करना, इनका रोजगार ठीक से ले ये प्रार्थना भगवान से करते रहना, और जब सब बच्चों की व्यवस्था हो जाए फिर हमारी बेसक्त मृत्यु हो जाए, हम ये सोचा करते हमारा काम पूरा हो गया।